तो अगला केस है कनेक्टेड मोशन का, साथ साथ ड्रॉ करें। इमेजिन करो आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, नीचे मास है, ये जो मास है ये 5 kg का मास है, और यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, ठीक, और ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। ये बनाएं साथ साथ, तो एक रस्सी बनाएं, नीचे ब्लॉक बनाएं और ये केस बनाएं, और स्ट्रिंग मासलेस लिखें और ये ब्लॉक रेस्ट पे है। अब अगर हम टेंशन की बात करते हैं, टेंशन पेयर में एक्ट करेगी, ये सबको मालूम है, तो ये टी टेंशन है, इधर से भी ये टी टेंशन है, इक्वल एंड ऑपोजिट है, कोई डाउट इसमें? टेंशन तो पेयर में एक्ट करेगी, टी एंड टी टेंशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है और मैं अगर आपसे ये पूछूं और इसका वेट कहाँ है, नीचे की तरफ, कितना, 5g, तो मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें टेंशन क्या होगी, क्या आंसर है, 5g की 5g से ज्यादा कि 5g से कम, 5g सही है, 5g, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है। इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो टी और 5g फोर्सेस हैं, अगर ये ऊपर जा रहा होता ब्लॉक तो टी माइनस 5g इज 5a, नीचे आ रहा होता तो 5g माइनस टी इज 5a, ना ऊपर ना नीचे, यानी कि ऊपर और नीचे की फोर्स एग्जैक्टली सेम, तो आंसर 5g है, बिल्कुल सही है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो टेंशन है वो मैंने कहाँ निकाल ली, तो एक स्टूडेंट बोला कि टेंशन तो यूनिफॉर्म होती है, जहाँ मर्जी निकाल लो, टी की वैल्यू यहाँ पर भी 5g, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, हर रस्सी के हर हिस्से पे टेंशन की वैल्यू 5g ही रहेगी। मैंने कहा ठीक है, सही है, लेकिन मैंने अपना क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब ये डायग्राम बनाओ, मान लो सेकेंड केस में ये आपके पास एक ब्लॉक है जो 5 kg का ब्लॉक है, इस बार जो स्ट्रिंग है वो मासलेस नहीं है, स्ट्रिंग का मास है 10 kg और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 10 meter, 10 मीटर के ऊपर 10 kg, एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली का मतलब ये नहीं है 10 मीटर के ऊपर 10 किलो, 9 किलो तो एक पॉइंट पर है, 1 किलो डिस्ट्रीब्यूटेड है पतली सी वायर, ऐसा नहीं है, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्योंकि अगले 2 महीने के बाद नॉन डिस्ट्रीब्यूशन मास भी आएगा, कहीं पर ज़्यादा मास है, कहीं पर कम मास है, तो अभी नहीं करेंगे, अभी यूनिफॉर्म करेंगे, बराबर बराबर मास है, ठीक है यहाँ तक, तो बराबर मास है। अब आपको इसमें क्या करना है, इसके अंदर, और ये रेस्ट पे है, ये सिस्टम भी रेस्ट पे है, ठीक। अब आपको इसमें क्वेश्चन में निकालना है टेंशन की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे टेंशन निकालनी है सच दैट ये जो डिस्टेंस है स्ट्रिंग का ये 6 meter है, 6 meter ऊपर यहाँ पे टेंशन की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, ये क्वेश्चन है। इसका वेट नीचे की तरफ कितना है, 5g है, तो आपको यहाँ इस पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। अब अगर आप ये रूल लगाओगे कि मैंने कहा था टेंशन रस्सी में हमेशा यूनिफॉर्म होती है, तो गलत है, क्योंकि वो तब यूनिफॉर्म होती है अगर स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस होती है, स्ट्रिंग का बिल्कुल भी मास नहीं होता, तब टेंशन सेम है। पर यहाँ पर डिफरेंट क्यों है, उसका आंसर देने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओ कि इस क्वेश्चन में टेंशन क्या था, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है, नीचे का वेट था, यहाँ पर टेंशन क्या थी, जो ब्लॉक का वेट नीचे की तरफ है वही इसकी टेंशन थी, क्योंकि टेंशन होने का रीज़न क्या है, नीचे लटकता हुआ वेट, वेट है तो टेंशन है, वेट हटा दो टेंशन 0, सही है। अब यहाँ पे जो टेंशन होगी पता है क्या होगी, इस स्ट्रिंग का मास, ये मास प्लस ये मास, इसका वेट प्लस इसका वेट, यहाँ पे जो टेंशन होगी, क्योंकि इस स्ट्रिंग के नीचे जो रस्सी का वेट है वो भी तो यहाँ पे टेंशन लगा रहा है, तो रस्सी का जो वेट है वो कैसे निकलेगा, पहले मुझे ये बताओ 6 meter रस्सी का मास कितना है, कितने बोलते हैं 6 kg, कैसे लगाया, क्योंकि अगर टोटल लेंथ 10 मीटर है तो मास कितना है 10 kg है, 1 meter का मास कितना है 10/10 है,
और 6 मीटर का मास कितना है, 10 बाई 10 इंटू 6 यानी कि 6 केजी है। समझ में आ रहा है? और मैंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोला इसीलिए आप इसको यूनिफॉर्मली यूनिटरी मेथड से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता, कहीं पर मास कम कहीं पर ज़्यादा, आप यूनिटरी मेथड ना लगा सकते इसमें। भाई एक पेंसिल 2 रुपये की, दूसरी पेंसिल 6 रुपये की, यूनिटरी मेथड कैसे लगेगा? सारी पेंसिलें अगर एक रेट की हैं तभी तो यूनिटरी मेथड लगेगा, यही है ना रूल, ऐसे निकलता है ना? ठीक बोल रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। तो मैंने इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहा ताकि आप मास इजीली निकाल सकें। कोई डाउट इसमें? तो इसका जो मास है इस स्ट्रिंग का वो कितना आ गया, 6 kg। तो वेट कितना है इसका, इसके अंदर जो वेट आएगा, वेट की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, 6 kg into g। अब बोलो टेंशन क्या होगी, टेंशन होगी इसका वेट प्लस इसका वेट, इसका वेट कितना है 6g, ब्लॉक का वेट कितना है 5g, तो टेंशन कितनी है 11g, 11 इंटू 10 यानी कि 110 न्यूटन इज द आंसर। अब मैं आंसर देने जा रहा हूं, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा, दिख रहा है क्यों नहीं लगा, लगा लो, लगा लो। मान लो मैं सेम कॉन्सेप्ट यहां लगाता हूं और मेरे से कोई ये पूछे सर आपने ये यहां क्यों नहीं लगाया, देखो लगा रहा हूं। मान लो मैं यहां टेंशन निकालना चाहता हूं, यहां पे टेंशन क्या होगी, इस रस्सी का वेट प्लस 5g, पर रस्सी का वेट तो लेने से मना किया है ही नहीं, तो फिर इसलिए आंसर क्या आएगा, सिर्फ 5g। तुम अगर यहां टेंशन लगाओगे, अगर यहां टेंशन निकालना चाहती हो तो इस रस्सी का वेट प्लस 5g, पर रस्सी का वेट तो फर्स्ट केस में है ही नहीं, इसलिए टेंशन की वैल्यू फिर से कितनी, 5g। तो याद करो मैं आपको हमेशा बोलता आया, अगर रस्सी का मास नहीं है तो टेंशन क्या रहेगी पूरी रस्सी में, सेम। आंसर पता लग रहा है ऐसा क्यों? पर अगर स्ट्रिंग का मास है तो फिर टेंशन सेम नहीं रहेगी। बोलो मैक्सिमम टेंशन कहां पाई जाएगी, यहां पे, बिल्कुल टॉप पे। टॉप पे क्यों? क्योंकि यहां की टेंशन क्या होगी, पूरी रस्सी का वेट प्लस ब्लॉक का वेट। तो समझ में आ रहा है, टेंशन ऊपर जाते जाते बढ़ती 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 जाएगी और मैक्सिमम यहां पे होगी। तो अगर आप एक बहुत भारी ऑब्जेक्ट रस्सी से टांग दें और रस्सी टूटने वाली है, रस्सी यहां से टूटेगी क्योंकि टेंशन सबसे ज्यादा अपर पोर्शन में होने वाली है। तो समझ में आ रहा है, रस्सी यहां से नहीं टूटेगी, बीच में से कभी रस्सी टूटती नहीं है, रस्सी हमेशा ज्वाइंट से टूटेगी। कोई डाउट इसमें? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि अगर स्ट्रिंग का मास लेने को हो जाए तो क्या करना है, तो आपने उस स्ट्रिंग का वेट भी लेना है और प्लस ऑब्जेक्ट का वेट भी लेना है। कोई डाउट इसमें? ठीक, तो नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम में सपोज ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, ये काफी मोटी रस्सी है, रस्सी है, और मैंने यहां पे फोर्स लगाई 100 न्यूटन, 100 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई। बनाते जाओ डायग्राम। एक ब्लॉक है, एक स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक है, ये स्ट्रिंग है, ब्लॉक का जो वेट है या मास है वो 5 kg है, जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग मान लो 8 kg की है और इसकी जो लेंथ है वो 8 मीटर है। जो पूरी रस्सी है, ये पूरी की पूरी रस्सी है, इसकी जो लंबाई पता है और इसका मास भी पता है, एंड मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब बाय डिफॉल्ट मास इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अनलेस क्वेश्चन में मेंशन ना हो वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉन यूनिफॉर्म अगले चैप्टर का काम है, इस चैप्टर का काम नहीं है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में ये निकालना है कि सपोज इस स्ट्रिंग के 6 मीटर दूर, 6 मीटर दूर इस पॉइंट पे, यहां पे आपको क्या निकालनी है, टेंशन। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन होगी, वो कितनी होगी रस्सी के अंदर टेंशन, ये निकालनी है। मेरा पहला क्वेश्चन है, इस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम रहेगी
या हर पॉइंट पर डिफर करेगी? डिफर करेगी। क्यों डिफर करेगी? क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग का मास है। अगर स्ट्रिंग का मास ना होता तो टेंशन हर पॉइंट पर विल रिमेन। रूल समझ में आ गया? अब यहां पर डिफर करेगी, आपको टेंशन की वैल्यू निकालनी है। मैं इतनी हेल्प कर सकता हूं, टेंशन की वैल्यू इसके अंदर, टेंशन कैसे होगी? टेंशन इक्वल एंड ऑपोजिट होती है। तो ये पूरा हिस्सा इस पॉइंट को अपनी तरफ टेंशन लगाएगा। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, तो टी एंड टी अंदर ही अंदर एक दूसरे को अपोज करेंगे, मींस एक्शन रिएक्शन करेंगे। तो टेंशन अकेली कभी नहीं होती, टेंशन हमेशा पेयर में होती है। तो टी एंड टी ऐसे बनानी पड़ेगी आपको, एक टेंशन नहीं बन सकती, यहां पर दो ही टेंशन बनेंगी, क्योंकि इधर का हिस्सा भी टेंशन लगा रहा है, उधर का हिस्सा भी टेंशन लगा रहा है, लेफ्ट का हिस्सा भी खींच रहा है और राइट का हिस्सा भी खींच रहा है। इसलिए कोई डाउट इसमें? और ये पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ए हाँ, वो ए तो निकल सकता है इसमें, ए तो निकल ही जाएगा। ए कैसे निकलेगा? टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, दैट इज 5 + 8 = 13। तो आंसर एक्सेलेरेशन का क्या आएगा? 100/13 इफ नीडेड। पर प्रॉब्लम यह है कि वो एक्सेलेरेशन पूछता ही नहीं है क्वेश्चन में, वो टेंशन पूछता है ज्यादातर। तो करें स्टार्ट। इसके लिए एक काम करना है आपने, सिंपल ये क्वेश्चन आपको आता है इसके बाद, कैसे? बस आप मुझे सबसे पहले एक चीज बता दो, ये जो हिस्सा देख रहे हो ये वाला 6 मीटर, इस रस्सी का मास क्या होगा ये बता दो। 6 kg, क्योंकि 10 मीटर का मत, 8 मीटर का मतलब, हाँ 8 मीटर का मतलब तो 8 kg है। 1 मीटर लेंथ का मतलब मास कितना है? 8/8 है। और 6 मीटर का मतलब क्या हो जाएगा? 8/8 × 6 यानी कि 6 kg हो जाएगा। सही है। तो मैं यहाँ पे ये तो लिख ही सकता हूँ कि यहाँ पे ये 6 kg है, तो फिर ये कितना है? 2 kg है। तो ये 2 kg है, क्योंकि टोटल मास कितना है? 8 kg है। 6 मीटर का 6 kg, तो 2 मीटर का 2 kg। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? बस अब आपने ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं इसमें ये देखना जरा, जब मैं इसको शेड कर रहा हूं, इतना पोर्शन एक लूंगा बस, ये एक मास है। क्योंकि यहां पे क्या हुआ मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को तो यहां लेना देना है क्या हुआ। इतना मास एक लूंगा और ये मास एक, दो ही डायग्राम बनाऊंगा बस। ये देखो ऐसे, सबसे पहले मैं एक डायग्राम यहां बनाऊंगा, ये कितना है? 5 kg, ये कितना है? 6 kg, तो टोटल कितना है? 11 kg। अंदर क्या हुआ मेरे से क्वेश्चन पूछा ही नहीं। और अगला डायग्राम मैं यहां बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सच दैट ये बचा हुआ कितना है? 2 kg। ये बन गया 11 kg, ये पूरे का पूरा बन गया 11 kg, बचा हुआ 2 kg। और इसके अंदर मैं क्या ड्रॉ करके दिखाऊंगा आपको? टेंशन टी एंड टी, और ये फोर्स है 100 N। ये लो, और ये पूरा सिस्टम आगे मूव करेगा विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए। ये समझ में आया मैंने क्या किया? मेरा यहां पर इंटरेस्ट सिर्फ इस बाउंड्री पे है बस। और शेप, मैंने शेप से क्या लेना? ये कौन सा कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा है कि शेप से बहुत चीजें चेंज हो रही हैं? चेंज ही नहीं हो रही, हमें तो मास चाहिए, शेप से फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आप चेक करें, 5 + 6 11 kg का एक तरफ है, 2 kg एक तरफ है, 11 और 2 kg एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, उसी को टेंशन बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट एंड फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ये कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है, क्योंकि टेंशन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। टेंशन कुछ नहीं है, टेंशन है यहां पे और यहां के बीच में, कॉन्टैक्ट फोर्स को टेंशन बोलते हैं, सिंपल। और हमें ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज निकालनी आती हैं, कैसे? ड्रॉ अ फ्री बॉडी डायग्राम। तो तुम एक यहां बना लो डायग्राम, एक डायग्राम ये बना लो, ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, एक्सेलेरेशन ए, एक्सेलेरेशन ए 11 kg, 2 kg। तो यहां पे टेंशन की जो वैल्यू है, यहां पे टेंशन की वैल्यू कितनी है? टी। यहां पे टेंशन की वैल्यू कितनी है? टी। देख लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, कौन आगे लेके जा रहा है? टेंशन टी। और ये आगे जा रहा है, टेंशन अपोज कर रहा है,
तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने सिखाए थे, ऐसे ही हैं। तो अब अगर ये आगे जा रहा है तो t इज इक्वल टू 11 इन टू ए, ये आगे जा रहा है तो 100 माइनस टी इज 2 इन टू ए, क्योंकि अगर ये आगे जा रहा है तो 100 बड़ा है और t छोटा है। तो आप इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, तो यहाँ से 100 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इन टू ए, टी से टी कैंसल, 100 इज इक्वल टू 13 इन टू ए, ए की वैल्यू आ गई 100 डिवाइडेड बाई 13, इस ए को यहाँ पुट कर दें तो टी की वैल्यू आ गई 100 बाई 13, इतने न्यूटन टी की वैल्यू आंसर। देखो बाकी का क्वेश्चन तो किया हुआ है हमने लास्ट टाइम, मेन बात है इस क्वेश्चन को कैसे हमने चेंज कर दिया अपने फॉर्मेट में, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन में स्ट्रिंग गिवन थी पर हमने क्या किया उस स्ट्रिंग को ब्लॉक्स की तरह ट्रीट करके अपना कॉन्टैक्ट फोर्स को निकाल दिया। क्या ये मेथड समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? ये तो कर लोगे सॉल्व, ये तो आता है, उसे पहले वाला वो स्टेप समझ में आ गया कि दो पोर्शन ले लिए जहाँ टेंशन निकालनी है, उसके लेफ्ट का पोर्शन अलग है राइट का पोर्शन अलग है, उन अलग अलग को आपने सॉल्व कर दिया, डन हो गया, कोई डाउट? तब यानी कि अगर रस्सी का मास लेने को कहेगा, हमें क्वेश्चंस आ गए कि कैसे लेना है, हमें आइडिया हो गया, कुछ नहीं करना रस्सी कुछ नहीं है, रस्सी के अंदर जाके ब्लॉक ले लेना है, एक नीचे का एक ऊपर का या लेफ्ट का या राइट का, खत्म, रस्सी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, अंदर की कॉन्टैक्ट फोर्स ही टेंशन है। प्रक्रम लेटर बस दूर से आता है। तो यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो अब वापस बुकलेट पे चलते हैं। अब बुकलेट के ये वाला एग्जांपल हो गया, स्ट्रिंग का जब मास है वो भी हो गया, तो ये टाइप भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है ये वाला पार्ट हमने कर लिया था, इंक्लाइन प्लेन वाला कोई दिक्कत नहीं है, लिफ्ट के केसेस हमने कर लिए, ये सब हमने कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल है, बनाओ डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, ये साथ साथ बनाओ प्लीज, एट एन एंगल ऑफ थीटा। सपोज ये एक मास है जिसकी वैल्यू m है, ठीक m है, ड्रॉ करो साथ साथ, पहला क्वेश्चन कितनी फोर्स, अच्छा पहला क्वेश्चन ये ब्लॉक नीचे, फ्रिक्शन तो है नहीं, नीचे आएगा स्लाइड करता हुआ आएगा, कितनी फोर्स इस ब्लॉक को नीचे लेके आएगी? एम जी साइन थीटा, सही। तो क्यों लेके आएगी? क्योंकि इसका डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम ऐसा बनेगा कि ये रहा एम जी वेट, मैंने क्या कहा था एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेनी है हमेशा ऐसे और ऐसे, तो मैंने क्या कहा था इसमें ये थीटा, तो ये एंगल बाय डिफॉल्ट थीटा, वेट बॉडी का हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा, तो कौन सी फोर्स इस ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आ रही है? एम जी साइन थीटा, ड्रॉ करो। एक चीज याद रखना, इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चन आ जाए और मास यहां पड़ा हो, मतलब क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम तो बना ही लेना, क्योंकि कोई क्वेश्चन इस डायग्राम के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता इंक्लाइन प्लेन का, क्वेश्चन बाद में पढ़ लेना, इंक्लाइन प्लेन और एम देखते ही ये तो बना ही लेना, ठीक, इसके बिना बात नहीं बनेगी,
स्टैंडर्ड है, तभी तो हाथ से बनवा रहा हूँ ताकि फटाफट याद हो जाए फटाफट से। तो ये पॉइंट क्लियर है। तो एम जी साइन थीटा फोर्स से नीचे आएगा। मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन तो है नहीं, हर हालत में इसको नीचे गिरना ही गिरना है। इंक्लाइन प्लेन पे ये मार्क्स टिक ही नहीं सकता क्योंकि बिना फ्रिक्शन के ये टिकेगा नहीं, और एम जी साइन थीटा फोर्स इसको नीचे लेके ही आएगी। मैं चाहता हूँ बिना फ्रिक्शन के ये यहीं टिका रहे, नीचे ना गिरे, नीचे ना गिरे। ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं लगाना कुछ नहीं है, फोर्स इस ब्लॉक को टच नहीं करना, बाकी जहां मर्जी फोर्स लगाओ। हो सकता है एम जी साइन थीटा, वो हो नहीं सकता, एम जी साइन ऊपर जाता ही नहीं, एम जी साइन थीटा हमेशा नीचे जाता है, ऊपर जाता ही नहीं। हो सकता है, हो सकता है। ये देखो, अगर तुम इस तरफ इसको बहुत तेज एक्सलरेट करवाओ, अगर तुम इस वेज को बहुत तेज एक्सलरेट करवाओ, तो ऐसा हो सकता है कि ये मास यहां रेस्ट पे रह जाए। आपको कि उससे कैसे फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। पहले एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की क्या डिमांड है कि ये मास m हर हालत में किस पे होना चाहिए? एट रेस्ट। ये गिवन है, आपको स्मॉल m को किस पे रखना है? एट रेस्ट। आप मुझे एक बात बताओ, अगर तुम ये कह आप ये बोल रहे हो कि रेस्ट पे होना चाहिए, तुम तो ग्राउंड पे बैठे हो। चलो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करता हूं। मैं एक वेज लेके आता हूं इस रूम में, यहां सामने रखता हूं स्टेज पे, और मास को रखता हूं और जोर के धक्का मार के साइड पे ले जाता हूं, रूम के बाहर बहुत दूर ले जाता हूं भाग के। तो तुमसे पूछा गया क्या ये मास रेस्ट पे है, तुम्हारा आंसर क्या होगा? नहीं। चाहे ये यहां पे रेस्ट पे हो, पर तुम्हारा आंसर क्या होगा? नहीं, ये मोशन में। कहां मोशन में है? इधर मोशन में। मानते हो तुम? देखो तुम्हारे सामने का एक्सपेरिमेंट कर दूंगा, ये दोनों वेज और ब्लॉक तो पता नहीं कितनी कितनी दूर ले जाऊंगा। आप हो गए वेज कहां और ब्लॉक कहां, आंसर तो यहां खड़े थे, अपने कहां ले गए, रेस्ट पे कैसे आंसर थे? तो आपको ग्राउंड पे बैठ के ये सिस्टम कभी भी रेस्ट पे नजर आ ही नहीं सकता। पहली बात मानते हो ये चीज? तो आपको ये क्वेश्चन यहां बैठ के करना है, बैठ जाओ इसके ऊपर। अब ऐसा हो सकता है कि आपको रेस्ट पे नजर आए, क्यों? क्योंकि अगर मैंने बहुत तेज एक्सेलरेट करवाया और मान लो चलो एक मिनट के लिए कि ये रेस्ट पे आ गया, तो कम से कम तुम मुझे ये नहीं कह सकते कि रेस्ट पे नहीं, क्योंकि तुम भी मेरे साथ ही वेज के साथ चल रहे हो। अब तुम्हें ये ब्लॉक किस पे नजर आएगा? एट रेस्ट। तो पहला क्वेश्चन ये, आप इस क्वेश्चन को ग्राउंड पे बैठ के बिल्कुल सॉल्व नहीं करेंगे, वेज पे बैठ के सॉल्व करेंगे। और जैसे तुम वेज पे बैठे और मैंने वेज को एक्सेलरेशन करवा दिया, तो न्यूटन की आवाज आएगी आपको मन से, भाई देख मेरा लॉ मत लगा दियो, क्योंकि कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल, और मेरा लॉ यहां फेल हो जाएगा, बाद में मत कहियो न्यूमेरिकल गलत हो गया, क्योंकि तू एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। तो फिर तुम पूछोगे फिर भाई इसका इलाज क्या है, तो क्या कहेगा? अगर तुम मेरे लॉज लगाना चाहते हो तो क्या लेनी पड़ेगी? सूडो फोर्स। अब तुम ग्राउंड पे नहीं हो ना, अब तुम वेज पे हो। जैसे तुम लिफ्ट के अंदर थे, लिफ्ट के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो सूडो फोर्स लेनी पड़ेगी। हाँ, ग्राउंड पे बैठ के मत लो। अब क्योंकि तुम इसके ऊपर चढ़ गए और ये एक्सेलरेट करवा रहा हूं, तो एक्सेलरेशन जब हो रही है वेज की, तो इसके ऊपर जितना भी सामान पड़ा हुआ है वेज के ऊपर, वेज के ऊपर सूडो फोर्स नहीं लगेगी। वेज तो कार है, ये लिफ्ट है, इसके ऊपर या अंदर जो भी चीजें पड़ी हैं सब पे सूडो फोर्स लगेगी, जिसकी डायरेक्शन कहां होगी? अगर ये वेज इधर जा रहा है तो सूडो फोर्स कहां लगेगी? इधर ऑपोजिट लगेगी। तो बनाए सूडो फोर्स का जो वेक्टर है, कैसे बनेगा सूडो फोर्स का वेक्टर? ए ऐसे बनेगा। तो ये इस मास पे क्या लगेगी? सूडो फोर्स, क्योंकि वेज कहां एक्सेलरेट कर रहा है? इधर। ये सूडो फोर्स मास को कहां लगेगी? पीछे। बोलो वैल्यू क्या होगी इसकी? बोलो किस पे लगी सूडो फोर्स? किस पे लगी? वेज पे कि ब्लॉक पे? ब्लॉक पे कि वेज पे? वेज पे लग ही नहीं सकती, क्योंकि जो लिफ्ट अगर एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट पे नहीं लगती, कार एक्सेलरेट कर रही है कार पे नहीं लगती, वेज एक्सेलरेट कर रही है वेज पे नहीं लगती, वेज पे पड़े हुए सामान पे लगती है, लिफ्ट में पड़े हुए खड़े हुए बंदों पे लगती है, कार के अंदर सामान पे लगती है, खुद फ्रेम जब एक्सेलरेट करता है खुद पे सूडो फोर्स नहीं लगाता। तो किस पे लगी? मास पे लगी। कहाँ लगी? पीछे लगी। तो कितनी लगी?
मास कितने ऑब्जेक्ट का m और एक्सेलरेशन कितनी है वेज की a m में, क्या स्टेप क्लियर है? तो सूडो फोर्स कहां लगी? पीछे लगी, कोई डाउट इसमें? वेज में लगी, सूडो फोर्स ओके। फ्रेम कौन है? वेज ना, फ्रेम मतलब कि जैसे लिफ्ट एक फ्रेम है, कार एक फ्रेम है, ट्रेन एक फ्रेम है, वेज एक फ्रेम है, फ्रेम पे नहीं लगती। जो सिस्टम पूरा एक्सेलरेट करवाया जाता है उस पर नहीं लगती, उसके अंदर अगर कोई चीज पड़ी है, उसके छत पे कोई चीज पड़ी है, उस पर लगती है ओके। एनर्शिया की वजह से अपने आप, अगर यही पता होता तभी तो नाम सूडो है, पता ही नहीं। एनर्शिया, एनर्शिया की वजह किस पे लगती है, ये क्वेश्चन है। कौन लगाता नहीं है, किस पे लगती है? अगर आप एक कार लें, अपनी गाड़ी लें घर पे, गाड़ी एक्सेलरेट कर गई, आपने गाड़ी के छत पे बैग रख दिया, देखो बैग पीछे आएगा, वो जितनी एक्सेलरेट करेगी बैग उतना ही पीछे आ जाएगा। तो बैग पे लगी, क्यों लगी? क्योंकि कार क्या हुई? एक्सेलरेट हुई। तो ये रही आपकी कार और ये रहा आपका बैग, तो कार आगे एक्सेलरेट हो रही है, बैग पीछे की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कोई डाउट इसमें? अब इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि इस एम ए के भी दो कॉम्पोनेंट हो गए, एक ये रहा और एक ये रहा। चेक करो इसके अंदर, इसके अंदर अगर ये थीटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये एंगल भी क्या है? थीटा। तो एम ए का एक कॉम्पोनेंट एम ए कॉस थीटा और इस तरफ एम ए साइन थीटा बनाओ, एम ए सूडो फोर्स के भी कॉम्पोनेंट हो गए। एक कॉम्पोनेंट हो गया एम ए थीटा के साथ एम ए कॉस थीटा और एक एम ए साइन थीटा। तो इधर से एम जी के कॉम्पोनेंट हो गए, उधर से एम ए के कॉम्पोनेंट हो गए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यार, अब क्योंकि तुम यहां पे बैठे हो, वेज एक्सेलरेट कर रहा है तो तुम भी एक्सेलरेट कर रहे हो। ये मास तुम्हें रेस्ट पे दिख सकता है कब? अगर नीचे आने की फोर्स कितनी है? mg sin थीटा, और पिछली फोर्स क्या है? इसके ऑपोजिट क्या है? ma cos थीटा। क्योंकि m रेस्ट पे है तो नीचे की फोर्स mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू ऑपोजिट फोर्स ma cos थीटा। अगर ये कट जाए, बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, तो ये मास रेस्ट पे हो सकता है। तो ये रेस्ट पे हो गया, तो यहां से g tan थीटा sin अपॉन cos tan है इज इक्वल टू a। तो क्वेश्चन आएगा कि कितनी एक्सेलरेशन से इस वेज को पुश करें ताकि ये मास रेस्ट पे रहे, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये मार्क कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। g tan थीटा स्टैंडर्ड आंसर है। देखो ये वेज इधर गया, सूडो फोर्स पीछे लगी, सूडो फोर्स का कंपोनेंट बने। अगर आप चाहते हो रेस्ट पे और नीचे ना आए, तो नीचे की फोर्स मस्ट बी बैलेंस बाय ऑपोजिट फोर्स, इक्वेट कर दिया आंसर। क्या आपने ये प्रैक्टिकल कभी देखा है कि ऐवी बस न्यूटन जैसे लोग आए और उन्होंने बनाए दो डायग्राम और चले गए? कभी देखा प्रैक्टिकल ऐसा हुआ? कभी आपने एक्सपीरियंस किया? नहीं किया। आप अब करना, बारिशें आने वाली हैं, गाड़ी के अंदर बैठ जाना, अपनी कार के अंदर, कार की जो विंडशील्ड है, आगे का शीशा है, जो बारिश के बूंदें उस पर पड़ी होंगी या पानी गिर लें तो बूंदें वहाँ टिकी होती हैं। आप अगर कार को अगर बहुत तेज एक्सेलरेट करवाएं, वो बूंदें ऊपर जाती है। यही वो बूंदें हैं और यही आपकी कार है और ये आपकी कार की स्क्रीन है। जब बहुत तेज कार चलेगी, ये बूंदें ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। पहले ही नोट किया, आप करेंगे हाँ, वो इसलिए ऊपर जानी स्टार्ट होंगी क्योंकि कार को तुम कुछ ज्यादा ही तेज चला रहे हो। अगर बहुत एक्सेलरेट करोगे तो ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी, फिर ये ऊपर जानी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप स्लो चलाएंगे तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी तो बूंद नीचे आ जाएगी, और अगर ठीक मॉडरेट स्पीड पे चलाएंगे सही तरीके से तो फिर वो स्टेशनरी रह सकती है। नहीं ऐसा है, उसमें फ्रिक्शन भी होती है थोड़ी सी, तो मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन प्योर एग्जाम्पल तो नहीं है क्योंकि कुछ फ्रिक्शन रोक के रखती है। बट फिर भी इमेजिनेशन के लिए एग्जाम्पल सफिशियंट है। आप इमेजिन कर पाएंगे जब कार बहुत तेज एक्सेलरेट करेगी, बूंदें उठ उठ के ऊपर को उड़ेंगी क्योंकि एम ए कॉस थीटा बहुत बड़ा कर देंगे आप। तो समझ में आ रहा है, लॉजिक क्लियर है? ठीक। फिर कई लोग घर जाके सोचते हैं जब ये रिवाइज करेंगे टेस्ट के लिए कि
हमें कैसे पता लगेगा यार, एम ए कॉस थीटा, एम ए साइन थीटा, अगर नया क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे दिमाग लगाएंगे इतना? कैसा भी होगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन चार बार आएगा आपके ऑब्जेक्टिव शीट्स में, चार बार आने वाले टाइम में, चार से भी शायद ज़्यादा ही ना आ जाए। फिर नीट में भी दिखेगा, मेंस के प्रीवियस में सब में दिखेगा, आपको रट जाएगा, आपको ये एग्जांपल रट जाएगा पांच छह बार करके कि जब गाड़ी ऐसे चलेगी तो सूडो फोर से का कॉम्पोनेंट एम जी साइन थीटा को बैलेंस करता है। तो ये प्रैक्टिस से अपने आप चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको अजीब लगेगा, डायग्राम आपको बनाने अजीब लगेंगे, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम धीरे 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 देख देख के आपको चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। पॉइंट समझ में आ रहे क्लियर है यहाँ तक? तो अब नेक्स्ट एग्जांपल भी हमारा इस शीट में हो गया, ठीक हो गया, ये हमने कर लिया था, ये हमने किया था। हाँ, अब ये क्वेश्चन करते हैं इक्विलिब्रियम वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। बनाएं जरा डायग्राम, बनाएं, क्वेश्चन है, साथ साथ बनाएं। मान लें ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक मास है। ये मास मान लो 10 kg का मास है। इस स्ट्रिंग पे, ये स्ट्रिंग ना रेस्ट पे ऐसी लट, ये बॉब ऐसी लटक रहा था रेस्ट पे, जैसा आपको दिख रहा है, जैसा आपको दिख रहा है ऐसे ही है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको, इस बॉब को फोर्स लगा दी राइट की तरफ, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई। और कितनी लगाई, 100 N की फोर्स लगाई हॉरिजॉन्टल। तो मैं स्ट्रिंग को थोड़ा राइट की तरफ ले गया और मैंने पकड़ के रखा हुआ है। अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो ये बॉब और राइट हो जाएगा, कम करूंगा लेफ्ट हो जाएगा, और 100 रखूंगा तो रेस्ट पे रहेगा। तो मान लो 100 के बाद थीटा एंगल पर ये पेंडुलम अटक गया, मीन रुक गया, और ये मास किस पे आ गया, इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स ऑन अ मास इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, गिवन है, ये इक्विलिब्रियम में आ गया। और अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया, आपको बताना है कि थीटा क्या होगा, कितने एंगल पर इक्विलिब्रियम में आया, ये क्वेश्चन है। बनाओ डायग्राम। तो रूल नंबर वन, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी सबसे पहले ड्रॉ करेंगे इसका बॉब का वेट। तो बॉब का मास कितना है, 10 kg, तो वेट कितना है, 10 g वेट है। वेट कहाँ करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। स्ट्रिंग में क्या जाएगी, टेंशन, टेंशन। स्ट्रिंग में जब टेंशन आएगी तो पेयर में एक्ट करेगी, तो कैसे एक्ट करेगी, स्ट्रिंग की जो टेंशन है इक्वल एंड ऑपोजिट, तो ये रहा टी और इधर से ये रहा टी, टी एंड टी, सही बना लें। अब एक चीज ध्यान से सुन लें, जब भी इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको क्या सिखाया, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, क्वेश्चन बाद में पढ़ना, वो डायग्राम पहले बना देना। जब भी स्ट्रिंग की प्रॉब्लम आए और वो टेढ़ी दिखे आपको, तो देखते ही सबसे पहले टी एन टी बना देना, वेट बना देना, और एक लाइन खींचना ऐसे, सच दैट ये जो एंगल है ये वाला, ये थीटा, तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक। और टेंशन के कॉम्पोनेंट्स ड्रॉ कर देना, ये टेंशन टी है, इसका एक कॉम्पोनेंट ऊपर ड्रॉ करना और एक लेफ्ट ड्रॉ करना कुछ ऐसे। तो ये कॉम्पोनेंट क्या आएगा, टी कॉस थीटा, और ये क्या आएगा, टी साइन थीटा। याद रखना, ये ना प्लस टू तक काम आएगा क्वेश्चन, ये एक दिन का क्वेश्चन नहीं है। कि अगर आपको स्ट्रिंग टेढ़ी दिख जाए, टेढ़ी ऐसी, तो बस आपने टी ऐसे ड्रॉ करके टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा कर देना है, ये करना ही करना है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? फिर अब अपना क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, ये होना ही होना है। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स इज जीरो,
नेट फोर्स जीरो का मतलब है, मतलब वर्टिकल फोर्स, मतलब ना ये ऊपर जाएगा ना ये लेफ्ट राइट जाएगा। तो वाई एक्सिस में ये फोर्स टी कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन जी। तो नेट फोर्स वाई एक्सिस की जीरो, कट गए फोर्सेस, कैंसिल हो गए। और ऐसी लेफ्ट और राइट के फोर्सेस इक्वेट कर दो, यानी कि लेफ्ट और राइट के फोर्सेस भी आपस में इक्वेट करो, इक्वल एंड ऑपोजिट, ताकि नेट फोर्स एक्स एक्सिस में भी क्या आ जाए, जीरो। अब चेक कर लो, एक्स के अंदर भी नेट फोर्स जीरो, वाई के अंदर भी नेट फोर्स जीरो। क्या ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, फिर से देखो, नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर मान लो तुमने 10 न्यूटन यहाँ फोर्स लगाई तो 10 यहाँ लगाई, ताकि आपस में कैंसिल हो गई और उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो गई। अब यहाँ पर चार चार फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, ऊपर भी नीचे भी, लेफ्ट भी और राइट भी। नेट फोर्स जीरो करने के लिए ऊपर की फोर्स इक्वल टू नीचे की फोर्स, लेफ्ट की फोर्स इक्वल टू राइट की फोर्स, यही तो की है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इक्वेट, कैंसिल हो गई। इसको तो देखना ही ना, ये तो कॉम्पोनेंट खड़ा कर लिया हमने इसके। अब तुम एक काम करो, सेकेंड इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर दो, तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 जी। जी और 10 तो कैंसिल हो जाएगा, रादर पूरे का पूरा कैंसिल ही हो गया। तो टेन थीटा कितना आ गया, 1, थीटा कितना आ गया, 45 डिग्री आंसर। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, कोई डाउट इसमें? जी को 10 ले लिया ना, कट गया फिर। स्टेप समझ में आ रहे हैं? कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है, तो कॉन्सेप्ट है, आ गया तो आ गया, बस बात खत्म। बस प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने इसमें। तो ये क्वेश्चन करना प्लीज, ये लो आप करो, ये आपका पेंडुलम है, ये पेंडुलम ये रहा यहाँ पे आ गया। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की 100 न्यूटन, और इसने जो एंगल बना लिया यहां पर वो बना लिया 30 डिग्री, आपको बताना है। और ये मास कितना होगा ये बताना है, सच दैट 30 डिग्री पे ये मास इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री पे ये मास किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में। आपको मास बताना है क्या होगा, एम बताओ क्या होगा, ये क्वेश्चन है। मतलब ये तो देखते ही बना देना ना, टी टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, जो मैंने सिखाया था। बस स्ट्रिंग में सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, टेंशन, टेंशन इक्वल एंड ऑपोजिट। ये देखो, ये देखो टी एंड टी, और ये लाइन तो देखते ही बनाई देनी है ना, वर्टिकल वाली बताया था, ये देखो ऐसे वाली। और वेट कहाँ ऐड करेगा वर्टिकली, डाउनवर्ड, ये तो बनाना ही बनाना है एमजी। तो अब एक काम करना है, ये एंगल 30, तो ये 30 और टी के दो कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, टी का एक कॉम्पोनेंट ऊपर जाएगा और एक यहाँ पे आएगा। तो एक कॉम्पोनेंट की वैल्यू क्या आएगी, टी कॉस 30, और एक क्या आएगी, टी साइन 30। कई लोग गलती कर देते हैं, टी कॉस 30 टी साइन थीटा 100 न्यूटन के साथ ले जाएंगे, ऐसे कैसे ले जाएंगे, इक्विलिब्रियम में इसको इसके ऑपोजिट देना पड़ेगा, तभी कैंसिल होंगे। अब क्योंकि क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में है, तो ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू नीचे की फोर्स, यानी कि टी कॉस 30 इज इक्वल टू एम जी, और लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की फोर्स, टी साइन 30 इज इक्वल टू 100। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं, तो टी साइन 30 टी कॉस 30
इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय mg, तो यहाँ पे t से t कैंसिल, tan 30 100 m, g की जगह 10 पुट कर लेते हैं, ये कैंसिल, m की वैल्यू आ गई 10 बाय tan ऑफ 30, 10 1 बाय रूट 3, रूट 3 इंटू 10 के जी इज द आंसर। मेथड समझ में आ रहा है क्या करना है? डायग्राम क्लियर है? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे की फोर्सेस इक्वेट कर दिया और साइन और कॉस की इक्वेशन को डिवाइड करके टेन में निकाल लेना है। सही, ठीक है यहाँ तक। इस क्वेश्चन को देखें, सपोज एक टेबल, ब्लॉक, पुली, स्ट्रिंग, एक और मास 5 kg, 2 kg, ये इधर जाएगा ए के साथ, ये नीचे आएगा ए के साथ, ए और टी निकालो, एक्सेलरेशन और टेंशन निकालनी है। ए की स्ट्रिंग है, मासलेस है, टेंशन सेम रहेगी, टी एन टी। टेंशन बनानी आ रही है ना इस पुली और इस ब्लॉक के बीच में, TNT, पुली और इसके बीच में भी TNT, ऐसे। और इसका वेट कितना है? 5G, नहीं मोशन में, ए एक्सलेशन है। तो फ्री बॉडी डायग्राम की अगर बात करें, तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये फर्स्ट डायग्राम और ये सेकंड डायग्राम, तो फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से ये नीचे आ रहा है 5G, तो 5G बड़ा है और T छोटा है, इस 5 into A, और ये ऑब्जेक्ट राइट जा रहा है तो T इज इक्वल टू 2 into A, ऐड करो 5G इज इक्वल टू 7 into A, A की वैल्यू आ गई 50/7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ए को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो टी की वैल्यू 2 into A, ये आपके पास आंसर आ गया, न्यूटन आंसर है। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? ए आ गया ना, ए को इक्वेशन में 2 में पुट कर दो, 2 into A आंसर, सही। कोई चक्कर नहीं, ऑब्जेक्टिव आएगा वो तो देख पता लग जाएगा, जीरो लगी हुई है तो अच्छे आंसर है कि बहुत गंदे आंसर है, पता लग जाता है कि जीरो पे और 5 के मल्टीपल आ रहे हैं तो जी 10 है, और वैसे भी बंदा ऑब्जेक्टिव पहले 10 के साथ ही करता है, फंस जाता है तो जी 9.8 आता है, वो अप्रॉक्सीमेटली मारी देगा इतना आंसर। और मजे की बात सुनो, आंसर ऑब्जेक्टिव में जी की फॉर्म में आंसर होता है, ये सबसे आसान है, बहुत क्वेश्चन जी की फॉर्म में देते हैं, तो इसलिए जी का चक्कर ही नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं है टी और ए तो आप निकाल लोगे, मुझे पता है, क्वेश्चन है ये पुली देख रहे हो, ये पुली एक स्टिक के साथ लगी हुई है, एक डंडे के साथ, पूरा जोर डंडे पे पड़ा हुआ है, और अगर ज्यादा जोर पड़ गया ना डंडा टूट जाएगा तो इसमें टेंशन बोलो क्या है, ये क्वेश्चन है।
तो आपको यहां टेंशन निकालनी है क्या है। तो बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम पुली का। तो पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में इमीडिएटली नीचे और ऊपर चेक करो टी एंड टी चेक करो, और ये रही वो स्टिक जिसके ऊपर पूरा जोर पड़ रहा है। बनाओ, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वो जो स्टिक है जिसके ऊपर पुली टिकी हुई है उसके ऊपर फोर्स निकालनी है, उसकी टेंशन निकालनी है, ठीक है यहां तक? अब ये बताओ इधर से जोर टी पड़ रहा है, इधर से टी पड़ रहा है, तो नेट जो जोर पड़ेगा पुली के ऊपर वो क्या बनेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो रिजल्टेंट आएगा वो पूरा ये स्टिक के अंदर चला जाएगा, क्योंकि हवा में तो रिजल्टेंट जाएगा नहीं, वो तो पूरा स्टिक के अंदर ही जाने वाला है। तो नेट फोर्स बोलो इस पर क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ टी का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर, दो फोर्सेज 90 डिग्री पे हैं, तो आंसर क्या आएगा? रूट। तो तुम टी तो निकाल रूट टू टी, तो तुम टी तो निकाल ही चुके हो, उस टी को यहां पुट करके ऑब्जेक्टिव मार्क करना, रूट टू टी इसकी टेंशन है।